खबर नागौर की डेगाना क्षेत्र से है, जहां हरसौर ग्राम विकास अधिकारी पर पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक ने भ्रष्टाचार और मनमानी करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि ग्राम हरसौर के सरकारी कृषि फार्म की आम नीलामी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से पूर्व में 1 जून को दी गई थी, लेकिन विकास अधिकारी उस दिन मौके पर नहीं पहुंचे और बाद में अपने चहेतों के नाम नीलामी की सूचना मिली। लेकिन अब नीलामी निरस्त कर 15 जून को नीलामी दोबारा खोलने की सूचना प्रकाशित करवाई, जिसके चलते पूर्व मंत्री ने कलेक्टर से दूरभाष पर बात कर जांच करवाने की मांग की। जब 1 जून को उन्होंने बोली रख दी तो बोली दाता यहां पे आए और बिना किसी सूचना के हमारे विकास अधिकारी यहां से अनुपस्थित हो गए, जबकि उनका दायित्व ये था कि वो उपस्थित रहते और अगर वो उपस्थित नहीं हो सके तो पीछे से उनको कारण बताना चाहिए था। किसी ने कोई कारण नहीं बताया, वो पूरे दिन बैठे रहे और उसके बाद में हमें अंदेशा हुआ कि उन्होंने मोटी रिश्वत लेकर के किसी अन्य के नाम पर रसीद काट दी है गैर कानूनी तरीके से, तो हमने इसका परिवाद ACP नागौर में दर्ज कराया। जब इनको भनक लगी तो इन्होंने 8 तारीख को वापस आदेश निकाले, 1 तारीख को होनी थी, इसके इतने बीच के अंदर क्यों नहीं आदेश निकाले। अब हमारी ये मांग है कि ये जो नीलामी बोली होनी है ये इसमें विकास अधिकारी जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगातार गांव वाले लगाते रहे, जो बोली जाता है वो इसमें उनके वो नहीं बैठे, इसमें उपखंड अधिकारी के अध्यक्षता में ये बोली लगनी चाहिए नीलामी की और इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए।